प्रायोजक है होटल फाइव सेंसेस एके टेंट एंड केटरर। साई प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जागरूक त्रिनेत्र मित्र को एडीजी जोन ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। गोरखनाथ थाने की पुलिस ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर देने के आरोप में दो अभियुक्तों को 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। जनहित में योगी सरकार का बड़ा फैसला, फैमिली आईडी, एक परिवार एक पहचान से मिलेगी सरकार की योजनाओं का लाभ। गली मोहल्लों में असामाजिक तत्व पर प्रभावी कार्रवाई को लेकर मोहल्ले वासियों ने एडीजी जोन से की मुलाकात। लखनऊ मंडल के शुभागपुर पचपेड़वा खंड में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण, रेलवे हरित रेलवे बनने की ओर अग्रसर। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी एडवोकेट मधुसूदन त्रिपाठी को एआईसीसी का सदस्य नामित किए जाने पर कांग्रेसियों ने फूलमालाओं के साथ किया उनका सम्मान। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में विश्व हिंदू महासंघ ने हनुमान चालीसा पाठ व हवन यज्ञ का किया आयोजन। और 13 सूत्रीय मांग को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण प्रधान संगठन के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। जनपद में एडीजी जोन अखिल कुमार की पहल पर ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हर घर कैमरा लगवाकर अपराधियों की पहचान में मदद करने वाले त्रिनेत्र मित्र आशीष गुप्ता को एडीजी जोन द्वारा उनके घर पर जाकर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं आमजन से भी ऑपरेशन त्रिनेत्र में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने की अपील की गई, जिससे जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से रोकथाम लगाई जा सके। मैं चूंकि क्लासिक केस है कि इनके कैमरे से घटना कैप्चर हुई और उससे सही लोग है ना पता लग गया कि कौन कौन थे। तो ये मूवमेंट हमारा जो है हम लोग हर घर जो मोटिवेट कर रहे हैं उसमें बहुत ही इसको मोटिवेट करेगा लोगों को, इसलिए मैं इसको विशेष धन्यवाद दिया कि आपके कैमरा से जितने दोषी लोगों को पकड़े गए। सेकंड स्टेप फिर हमारे घर में लगा दी। हाँ, सब आप लोग लगातार लगाए हुए हैं, सभी बात हाँ यही पर्पस है। चलिए साहब आपको लगा पहनावा भाई ये जो हम लोगों का पर्पस था, जो सपना है कि हर गली हर चौराहे में कैमरा लग जाए, उसको पूरा करने में आपकी इस छोटी सी जो कंट्रीब्यूशन है इतनी बड़ा कंट्रीब्यूशन बन गया है। तो लोगों को आप जब सुनेंगे पढ़ेंगे और उसको रियलाइज़ करेंगे तो ये मदद करेंगे। धन्यवाद। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार व त्रिनेत्र मित्र आशीष गुप्ता ने बताया। देखिए, मैं आज यहाँ आया हूँ, गोरखनाथ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये घटनास्थल है और आशीष गुप्ता जी है जिनकी कैमरा से हर घर कैमरा में जो कैमरा इन्होंने लगा रखा है उनकी कैमरा ने मदद की घटना का सही अनावरण में। जब इस तरह की घटनाएँ कहीं हो जाती हैं तो सबसे प्रमुख चुनौती पुलिस के पास होती है कि घटना में कौन सम्मिलित रहे। जो वादी पक्ष होता है वो कुछ नामों में बताता है, प्रतिवादी पक्ष कुछ और नामों को बताता है और नामों को लेकर असमंजस स्थिति रहती है, दोनों तरफ के गवाह रहते हैं। इस सीसीटीवी फुटेज ने पूरे घटनाक्रम को सही ढंग से
बता दिया। हम लोग जो अभियान चला रखे हैं पूरे गोरखपुर में हर घर कैमरा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैमरा लगा रहे हैं, उससे हम लोगों को लगातार मदद मिल रही है और लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज गोरखपुर में करीब लोगों ने अपने घर में 16,000 से ज़्यादा स्थानों पर, 17,000 के आसपास फिगर है, टच कर लिया, जिन्होंने घरों पर कैमरा लगा लिया है। और बहुत ही जल्द हम सभी गली चौराहे रास्ते कवर करने में सफल हो जाएंगे 15-20 दिन के अंदर में। परंतु ये जो मुहिम है उसको एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा आशीष जी के इस घटनाक्रम में इस कैमरा ने दी है। इस गली में हमारे यहाँ के सम्राट नागरिक गण हैं, वो बता रहे हैं कि कई इस घरों पे मकानों पे ये कैमरे लग चुके हैं। हर आदमी से मेरा अनुरोध है, आह्वान है कि हर घर कैमरा के तहत कैमरा लगाएं और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उनको भी मिलेगा, उनका घर सुरक्षित होगा, उनका मोहल्ला सुरक्षित होगा और जब मोहल्ला सुरक्षित होगा तो शहर सुरक्षित होगा। ये कैमरे लगे हुए हैं त्रिनेत्र के, वो अभियान चल रहा है उसी तहत जो है, हाँ, कैमरे का जहाँ जहाँ वो होता है उसके लिए ये इन्होंने हमारा सम्मानित किया। इनका एक वारदात हो गया था मेरे के लिए, हाँ, जिसका खुलासा मेरे कैमरे द्वारा किया गया। क्या वारदात हुई थी और कैसे घटना आपके कैमरे में? कुछ लड़के थे, करीब 8-10 लड़के थे, एक लड़के को सब दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे, उसको इस तरह का कदर मार रहे थे जब तक उसको मर ना जाए उस कदर मार रहे थे सब। तो सारे वीडियो जो है हमारे कैमरे पर, वीडियो जब आपके कैमरे में कैद, जी, तो कैसे आपने पुलिस की मदद की? जी, पुलिस को हमने ये फुटेज जो है, हाँ, फुटेज निकाल के दिया उन्होंने, और उन्होंने मांगा तो हमने दिया। अच्छा, आपको कुछ पत्र भी दिए हैं डी साहब, क्या है? जी, ये सम्मानित पत्र है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में चलाए जा रहे अभियान के तहत गोरखनाथ थाने की पुलिस ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर देने के आरोप में दो अभियुक्तों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि विगत 19 फरवरी की रात्रि में डायल 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र हुमायूंपुर सुभाष नगर में कुछ लड़के मारपीट कर रहे हैं। इस सूचना पर पीआरपी व थाना स्तरीय फोर्स को मौके पर भेजकर घायल अनूप शर्मा नामक लड़के को तत्काल दवा इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भिजवाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहीं अनूप के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने शिवेंद्र सिंह उर्फ सनी व मुदित पांडे नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शेष अन्य की तलाश जारी है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण विश्नोई ने बताया, जनपद गोरखपुर के थाना गोरखनाथ पर कल रात्रि 9:30 बजे सूचना मिली कि एक अनूप शर्मा नाम के लड़के को 5-6 अज्ञात लोगों ने पीटा है। इस सूचना पर थाना गोरखनाथ की टीम मौके पर गई एवं अनूप शर्मा को अस्पताल पहुंचाया गया और उसके बाद में उसको मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इसके बाद में तहरीर के आधार पर 307 IPC का मुकदमा दर्ज किया गया है एवं विवेचना के अनुक्रम में CCTV चेक किए गए और CCTV के आधार पर उन सभी अभियुक्तों की पहचान की गई एवं मुख्य अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। यह उल्लेखनीय है कि मुख्य अभियुक्त एवं जो घायल है वो दोनों आपस में दोस्त थे, साथ में मुंबई में काम करते थे, पैसे को लेकर किसी चीज का मनमुटाव था, इसीलिए वो कल मिले थे और उसी के कारण इनके बीच में मारपीट की घटना कारित हुई है। जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा जल्द ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। जनहित में योगी सरकार का बड़ा फैसला, फैमिली आई कार्ड एक परिवार एक पहचान से सरकार की लाभकारी योजनाओं से जो लोग वंचित हैं उन्हें फैमिली आईडी की सहायता से परिवार के सभी पात्र लोगों को सरकार की लाभकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। फैमिली आई कार्ड प्राप्त करने के लिए निर्धारित फीस ₹30 ई डिस्ट्रिक्ट जनसेवा केंद्रों पर देना होगा। फैमिली आईडी जनरेट करने व सत्यापन करने की पूरी प्रक्रिया ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की भांति ही की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में संबंधित लेखपाल व SDM तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सेक्रेटरी ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से यह कार्य किया जाएगा। इस संबंध में चटिवन संवाददाता से बात करते हुए ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नीरज श्रीवास्तव ने बताया, फैमिली आईडी कार्ड माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक सभी परिवार को लाभान्वित करने के लिए एक परिवार एक कार्ड के रूप में बनाया जा रहा है। इसमें लोगों को हर परिवार से एक एक रोजगार देने की जो माननीय मुख्यमंत्री जी का मुहिम है वो भी जुड़ा हुआ है। साथ में इसमें वो 12 अंकों का जो राशन कार्ड जिनका बना हुआ है, गोरखपुर में अब तक लगभग 7,96,008 राशन कार्ड बने हुए हैं जिनका फैमिली आईडी कार्ड ऑटोमेटिक वो जनरेट कर सकते हैं किसी भी जनसेवा केंद्र अथवा फैमिली आईडी कार्ड के familyid.up.gov.in के वेबसाइट पे जाकर के खुद भी कर सकते हैं। नहीं तो अगर जिनको नहीं करने आता है वो
जन सेवा केंद्र जो ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से हर ग्राम पंचायत में दो दो, ग्राम सचिवालय पे एक एक और शहरी क्षेत्रों में भी खुले हुए हैं, वो वहाँ से जाकर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपनी फैमिली आईडी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इससे सभी योजनाओं में लोगों को लाभ प्राप्त होगा। मान लीजिए किसी फैमिली में कोई बुजुर्ग हो गया हो, 60 साल हो गया हो, उसे नहीं पता कि वो 60 साल का एज क्रॉस कर गया हो और वृद्धा पेंशन नहीं पा रहा हो, तो उनका प्रदर्शित उन्हें लगेगा कि ये 60 साल के हो गए हैं और वो वृद्धा पेंशन, किसी का विधवा पेंशन, किसी का विकलांग प्रमाण पत्र के जरिए जो पेंशन प्राप्त होता है वो, ये सारी चीज़ें, मतलब वन कार्ड से फैमिली की सारी डिटेल प्राप्त हो जाएंगी। किन लोगों को दिया जाए पात्रता? ये पात्रता इसमें श्रेणी अभी नहीं निर्धारित है, ये सभी के लिए। फैमिली आईडी कार्ड, घर के सभी मेंबर्स अपनी इस कार्ड में नाम कर सकते हैं। अगर जिनका राशन कार्ड है वो राशन कार्ड के थ्रू उनका ऑटोमेटिक डाटा आ जाएगा, जिनका नहीं बना हुआ है राशन कार्ड वो फैमिली आईडी कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जन सेवा केंद्र, ई डिस्ट्रिक्ट जन सेवा केंद्र के माध्यम से। असामाजिक तत्वों द्वारा मोहल्लों, गलियों आदि जगहों पर जमावड़े को लेकर महिलाओं एवं पुरुषों ने एडीजी जोन अखिल कुमार से मुलाकात कर समुचित सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। आए दिन गलियों व मोहल्लों में मारपीट, चिनैती, चोरी आदि घटनाओं में इजाफा हो रहा है। ऐसे में असामाजिक तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई का आश्वासन भी एडीजी जोन ने मोहल्लेवासियों को दे दिया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मोहल्ले वासी ने बताया, ये रवि जनरल स्टोर है यहाँ पे शॉप, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पे मेन वही चरस, गांजा, पता नहीं क्या क्या बेचता है, सिगरेट, बहुत यंग लड़के दिन भर बैठे रहते हैं और हम लोग आना जाना मुश्किल हो गया है यहाँ से। अभी छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, लेडीज़ भी हैं, सब लोग हैं, और इतने छोटे छोटे, और उसी में ही झुंड बना बना के वहीं अपना दंगा भी करते हैं, फसाद करते हैं, तो ये हम लोग के लिए तो प्रॉब्लम हो जा रही है ना, हम लोग आना जाना मुश्किल कर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा बदतमीजी हो रही है। बोला है कि आप लोग चिंता मत करिए, उसका हम कर देंगे। अच्छा, इसके पहले आप उन्हें कभी थाने पे या यहाँ स्थानीय पुलिस को शिकायत दर्ज कराई? दो साल पहले भी कराई। क्या हुआ था कार्रवाई उसको? कुछ नहीं। देखिए, हम यहाँ पर कम से कम 25-30 साल से रहते हैं और ये करीब मेरे समझ से 5-6 साल से जो ये दुकान यहाँ खुली हुई है, इसकी वजह से यहाँ कम से कम 15-20 लड़के, आप शाम को 7 बजे के बाद आएँ और सारे जो है मुश्किल से 15 साल और 18 साल के बीच के लड़के होंगे, और मतलब इस कदर वो उनका उत्पात रहता है, इस कदर उत्पात रहता है उनका कि आप वहाँ से शरीफ आदमी पास नहीं हो सकता। मतलब हमेशा ये डर रहता है कि कोई घटना, लेडीजों को डर रहता है, जेंट्स लोगों को डर रहता है, शरीफ आदमी वहाँ से आने से डरता। तो आज एडीजी साहब से आपने अपनी पीड़ा बताई है, क्या उन्होंने रिस्पॉन्स दिया? भाई, उन्होंने कहा मैं इसको देखूँगा, हाँ ये आश्वासन दिया उन्होंने। उम्मीद है आपको कुछ की? हाँ, हम तो समझ रहे हैं उनके यहाँ के हल्का इंचार्ज, उन्होंने भी बोला अजय राय, क्या नाम उनका, अजय सिंह। कितने दिन में फीडबैक लेंगे आपकी, अब कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? अब हम तो चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले वाले अगर मेरा साथ दे तो हम फिर 3-4 दिन 5 दिन फिर जाएंगे। पूर्वोत्तर रेलवे ऊर्जा बचत, पर्यावरण संरक्षण एवं रेल खंडों के विद्युतीकरण में निरंतर उपलब्धियां अर्जित कर रहा है। इसी क्रम में लखनऊ मंडल के सुभागपुर पचपेड़वा खंड के विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। विद्युतीकरण रेलखंड का निरीक्षण तथा स्पीड ट्राई भी किया गया है। बता दें कि रेलखंडों के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण होने से कार्बन उत्सर्जन में काफ़ी कमी आएगी और यह रेलवे हरित रेलवे बनने की ओर अग्रसर है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया, पूर्वोत्तर रेलवे ने विद्युतीकरण के कार्य में अभूतपूर्व प्रगति की है और गोरखपुर के आसपास की बात करें तो सभी तरफ का रेल नेटवर्क हमारा इलेक्ट्रिफाइड हो गया है और केवल एक सेक्शन जो है, जो गोरखपुर गोंडा लूप लाइन थी, उसमें पचपड़वा से सुभगपुर के बीच में इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इस रूट पर जाने वाली ट्रेनों को डीजल इंजन से ले जाया जाता था, लेकिन कल इसका इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो गया और इस पर अब इलेक्ट्रिक इंजन से ही ट्रेनें चलेंगी। इससे जो है 11 पेयर ट्रेनें, जो हमारी कोचिंग ट्रेनें यानी कि मेल और पैसेंजर ट्रेनें जो हैं,
वो अब इलेक्ट्रिक इंजन से चलेंगी, साथ ही साथ इस रूट पे चलने वाले जो गुड्स ट्रेनें हैं वो इलेक्ट्रिक इंजन से चलेंगी। इससे जो डीजल इंजन को गोंडा में ले जाकर बदलना पड़ता था, या गोंडा से जब ट्रेन इधर आने वाली लूप साइड में आती थी तो वहाँ फिर से बदल के इलेक्ट्रिक इंजन से डीजल इंजन लगाना पड़ता था, इसमें जो टाइम लगता था उस टाइम की बचत होगी, जिससे ट्रेनों की पंक्चुअलिटी और बेहतर होगी। इसके अतिरिक्त जो मैन पावर है वो बचेगा, तो एक सिस्टम जो है, सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ेगी, उससे भी जो अल्टीमेटली उसका फ़ायदा यात्रियों को मिलेगा। साथ ही साथ जो ये इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद से जो डीजल की बचत हम लोग कर रहे हैं, लगभग पर ईयर 8000 किलोलीटर डीजल की बचत करेंगे, जिससे डीजल पर हमारी निर्भरता खत्म होगी, साथ ही साथ जो है पर्यावरण का संरक्षण भी होगा, क्योंकि डीजल कंबसन से कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है उसमें कमी आएगी, तो हम लोग जो एक ग्रीन रेलवे की तरफ अग्रसर हैं और उस पर हम लोगों को सफलता मिलेगी। साथ ही साथ जो है इस पूरे रूट पे जो भी स्टेशन हैं उनका लाइटिंग अच्छा हो सकेगा। कई बार हम लोगों के पास शिकायत आती है कि जो वे साइड स्टेशन वहाँ लाइट की कई बार दिक्कत रहती है, लेकिन अब इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद से स्टेशन लाइटिंग जो है उसी के माध्यम से जुड़ जाती है, तो वहाँ लाइटिंग की या लाइट कटने जैसी समस्या नहीं रह जाती है किसी भी प्रकार से। तो जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग, उनको उस स्टेशन पे उजाला रहेगा तो उसका एक बेनिफिट मिलेगा। प्लस जो नॉइज़ पोल्यूशन होता था डीजल इंजन से, धुआं निकलता था, वो सारी चीज़ों की बचत होगी। तो ये कंप्लीट पैकेज है इलेक्ट्रिफिकेशन, जिससे जो है हर तरह से जो है यात्रियों को और जो स्थानीय लोग हैं जो स्टेशन के आसपास रहते हैं उनको उसका फायदा देखने को मिलेगा। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह, हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009993559081। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय, मैं विशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। मैं हूँ दिव्या दत्त। हेलो गाइज, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर वन चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, हाय मनमीत विद मी ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिन भर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूर्व लोकसभा प्रत्याशी एडवोकेट मधुसूदन त्रिपाठी को AICC का सदस्य बनाया गया है, जिससे जिले में महानगर के कार्यकर्ताओं में हर्ष व्याप्त है। कार्यकर्ताओं ने दीवानी कचहरी में एडवोकेट मधुसूदन त्रिपाठी का फूल मालाओं के साथ सम्मान करते हुए मिष्ठान का वितरण भी किया। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी मधुसूदन त्रिपाठी। रुक जाइए ना, पहना पहना जाए। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के AICC सदस्य एडवोकेट मधुसूदन त्रिपाठी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिलीप निषाद ने बताया। मैं माननीय श्रीमती सोनिया गांधी, माननीय राहुल गांधी, माननीय प्रियंका गांधी, वीरेंद्र चौधरी, खड़गे जी, खावरी जी के
प्रयास से आज AICC मेंबर हुआ हूँ, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का। और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर होने का मतलब है कि पूरे देश में स्थापित होना। तो ये मैं उन लोगों को बार बार धन्यवाद देता हूँ और उन्होंने मुझको इस लायक समझा। मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता की तरह कार्य करता रहूँगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तरफ से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भारी सिंह के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी माननीय मकसूदन त्रिपाठी जी को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर, शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर इनको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का AICC सदस्य बनाया गया है। इनको इनकी जिम्मेदारी दी गई है और हम लोग इनके साथ विश्वास दिलाते हैं और ये भी राष्ट्रीय नेतृत्व पर खरा उतरेंगे। जो भी पार्टी का दिशा निर्देश रहेगा, जो भी रहेगा, इनके माध्यम से हम लोग उत्तर प्रदेश की बागडोर को इनके माध्यम से हम लोग सरकार में या जो भी गतिविधि होगी पार्टी के लेवल की, इनके स्तर से उठाएंगे और इनको उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की जो भी समस्या होगा इनके माध्यम से हम लोग करेंगे, पार्टी के हाथों को मजबूत करेंगे। जनपद में सीलिंग की जमीनों को लेकर हो रही कार्रवाई व छोटे किसानों की जमीनों का नंबर सीलिंग में आने से परेशान किसानों की समस्याओं को देखते हुए समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने सपा जिला अध्यक्ष अवधेश यादव के नेतृत्व में जिलाधिकारी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा और किसानों की जमीनों को उन्हें उचित मुआवजा व सीलिंग के नाम पर आम लोगों को ना परेशान किए जाने की मांग की। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। हो गया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सपा जिलाध्यक्ष अवधेश यादव ने बताया, गोरखपुर जनपद में आपने देखा होगा लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से सीलिंग की जमीनों का प्रकाशन हो रहा है। उससे छोटे छोटे किसान जिनकी जमीन का नंबर उसमें आ गया वो बहुत परेशान है कि हमारी जमीन सीलिंग में दिखाई जा रही है, जबकि वो एकड़ों में नहीं बल्कि बीघा में और डिसमिल में उनकी ज़मीनें हैं। इससे कार्यकारों में बहुत भय की स्थिति व्याप्त हो गई है। उसी को लेकर के आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं कि आप उसकी जांच कराइए और जो काश्तकारों में जो भय का माहौल है उसको दूर करिए। और दूसरा मामला ये था कि जो हाथी के द्वारा 3 लोग कुचल दिए गए हैं उसमें 5-5 लाख उन परिवारों को दिया गया है, जो वन विभाग के रूल के हिसाब से वो मुआवजा है। प्रशासन और शासन की तरफ से कोई मुआवजा उस परिवार को नहीं दिया गया। बहुत गरीब परिवार हैं और बहुत बड़ी घटना है। और वो हाथी जिन लोगों की है वो पहले भी घटना कर चुकी है, वो हाथी स्वतंत्र कैसे घूम रही थी, इस सब की जांच करा करके और न्याय देते हुए उन गरीबों को और मुआवजा दिया जाए। हम लोगों ने 50-50 लाख रुपए मुआवजे की मांग किया है। विश्व हिंदू महासंघ के जिला प्रभारी राधाकांत वर्मा के नेतृत्व में महासंघ के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने गोलघर स्थित प्राचीन काली मंदिर पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की मांग का समर्थन करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ व हवन यज्ञ किया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए विश्व हिंदू महासंघ के जिला प्रभारी राधाकांत वर्मा ने बताया, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी के भारत को हिंदू राष्ट्र और रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने को लेकर के जो उन्होंने आह्वान किया है, मैं विश्व हिंदू महासंघ उनका समर्थन करता है। आज हमने यहाँ पर हवन यज्ञ कर करके और हनुमान चालीसा पढ़ करके और आग्रह किया है भगवान से कि धीरेन्द्र स्वामी सरस्वती जी का जो उन्होंने
जो आह्वान किया है उसका समर्थन मिले, और समर्थन के साथ साथ हम चाहते हैं कि संविधान के द्वारा जो भारत का संविधान है, जो डबल इंजन की जो सरकार हमारी है, माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी, ये संविधान के लेकर के भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की चाह रखते हैं और ये करेंगे भी, ऐसा हम लोग का मानना है। और हम आगे भी हम धीरेन्द्र शास्त्री जी का समर्थन करते रहेंगे, बागेश्वर धाम का समर्थन करते रहेंगे, क्योंकि जब कलयुग के अंदर जब भगवान राम ने हनुमान जी को जो प्रेरणा दिया और कहा कि आप अमर हैं और भारत में रह करके, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा जगह है जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती बहती हैं, जहाँ पर राम कृष्ण और सीता का जन्म हुआ है, ऐसे जहाँ पर धर्म है, जहाँ पर 14 साल खड़ाऊँ रख के पूजा किया जाता है, ऐसा धर्मस्थल देश हमारा भारत है, यह हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं और इनको हम लोग हमसे समर्थन देते हैं और यही हमारी चाहत है, इसीलिए हमने कार्यक्रम किया है और आगे भी हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा। अखिल भारतीय ब्राह्मण प्रधान संगठन के बैनर तले अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और अपनी 13 सूत्रीय मांगों को पूरा किए जाने की मांग की। ज्ञापन देते हुए बहुत लोग आए, चलिए ठीक है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए इंजीनियर रुद्र प्रताप सिंह ने बताया, तो मनरेगा की मजदूरी को बढ़ाने के लिए और मनरेगा में जो हाजिरी लगती है वो अब सरकार ने अनिवार्य कर दिया है NMMS को। बहुत सारे ऐसे गांव हैं, क्षेत्र हैं जहां पे नेटवर्क नहीं है और नेटवर्क न हो पाने के कारण हाजिरी नहीं लग पाती है और हाजिरी नहीं लगती है वो मास्टर रोल जीरो हो जा रहा है। इस तरह की समस्याएं लगभग हर जगह देखने को मिल रही हैं और बहुत सारे ऐसे हमारे प्रधान साथी हैं जो कि कार्य कराए लंबा जो है कि अरसा हो चुका है, उनका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। उस भुगतान की भी समस्या का समाधान के लिए हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं। हमारे साथ हमारे रोजगार सेवक हैं जिनकी समस्याएं हैं, उनकी मानदेय को वृद्धि और उनको भी सुविधा प्रदान करने के लिए रोजगार सेवक के जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं, जिला पंचायत सदस्य हमारे साथ हैं और हमारे जनपद के लगभग हर एक ब्लॉकों से प्रतिनिधि आज यहाँ पे जिला कार्यालय पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आज हम लोग प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं और उनसे मांग करते हैं कि हमारी जो 13 सूत्री मांग है जो ग्राम पंचायत हित के लिए अत्यंत आवश्यक है कि रणनीत है, हम लोग अगर ज्ञापन दे रहे हैं, ये ज्ञापन का अभियान पूरे प्रदेश में अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने चलाया है, इस ज्ञापन से अगर विचार नहीं किया जाएगा तो हम लोग अपनी अगली लड़ाई जंतर मंतर दिल्ली पे पहुंच के वहां धरना देने के लिए बाध्य होंगे। दिन भर में बस इतना ही, आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जागरूक त्रिनेत्र मित्र को ADG जोन ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। गोरखनाथ थाने की पुलिस ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर देने के आरोप में 2 अभियुक्तों को 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। जनहित में योगी सरकार का बड़ा फैसला, फैमिली ID एक परिवार एक पहचान से मिलेगी सरकार की योजनाओं का लाभ। गली मोहल्लों में असामाजिक तत्व पर प्रभावी कार्रवाई को लेकर मोहल्ले वासियों ने ADG जोन से की मुलाकात। लखनऊ मंडल के शुभागपुर पचपेड़वा खंड में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण, रेलवे हरित रेलवे बनने की ओर अग्रसर। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी एडवोकेट मधुसूदन त्रिपाठी को AICC का सदस्य नामित किए जाने पर कांग्रेसियों ने फूलमालाओं के साथ किया उनका सम्मान। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर DM को सौंपा ज्ञापन। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में विश्व हिंदू महासंघ ने हनुमान चालीसा पाठ व हवन यज्ञ का किया आयोजन। और 13 सूत्रीय मांग को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण प्रधान संगठन के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने DM को सौंपा ज्ञापन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।